सर एक ये लड़की की कहानी है जो एक लड़के को बहुत प्यार करती है, बट लेकिन वो एंड ऑफ द डे उससे नहीं मिलता है। ये एक डिज़ाइनर है, अपने उस पे उसको अपनी पर्सनालिटी में बहुत ही प्राउड है, तो वो करेक्टर निभाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। माइंड को ठीक करने के लिए या माइंड को वो करने के लिए ये शो है। सर मैं शो में एक डिज़ाइनर का किरदार निभा रही हूँ, जो एक गगन जो मेनली लड़का है उसकी बॉस भी है और गर्लफ्रेंड भी है। और ये एक डिज़ाइनर है, अपने उस पे उसको अपनी पर्सनालिटी में बहुत ही प्राउड है और लिटिल बिट थोड़ी सी एटीट्यूड वाली है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। तो अभी तक मेरा किरदार यही है। टू बी ट्रू मेरी सारी एक्टरों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और नेचर से बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा मेरा जो रोल अभी तक हुआ है वो गगन के साथ हुआ है, तो मेरी ज़्यादातर बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी है। ऑलमोस्ट मेरी पिंकी के साथ भी अच्छी है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी किसी के साथ अच्छी, सबके साथ बहुत अच्छी है। सर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी अकड़ू नहीं हूँ, बहुत ही कॉमेडियन, बहुत ही फनी हूँ। बट ये किरदार निभाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं एक डिज़ाइनर, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग कर चुकी हूँ पहले, मैं एक डिज़ाइनर और मॉडल हूँ, तो वो करेक्टर निभाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अभी तक ठीक रहा, मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। शो के बारे में ये कहना चाहूँगी कि कलर्स एक नया शो लेके आ रहा है, जो कि एक छोटी हाइट की लड़की के ऊपर है। मैंने आज तक कोई ऐसा सीरियल नहीं देखा है, ये बहुत ही अच्छा है, एक मैसेज देगा पब्लिक को। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर देखें, और इसको आप देखेंगे तो कुछ लाइफ में समझ सकते हैं, जैसे कि छोटे लोगों को बहुत ही गलत तरीके से माना जाता है या फिर उनको वैल्यू नहीं दी जाती, उनको ऐसा बोला जाता है ओ यू आर हाइट, गॉट इट माई पॉइंट। तो उसको माइंड को ठीक करने के लिए या माइंड को वो करने के लिए ये शो है। मैं चाहती हूँ कि आप देखें, और ऑफ कोर्स सबको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप मेरा जानना चाहेंगे तो अभी तो मेरी एंट्री होने वाली है, जो कि अभी रिवील होगी कि मैं कौन हूँ और गगन के साथ मेरा रिलेशन क्या है। एंड अभी पिंकी की शादी चल रही है, उसमें आगे का मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग दिल से आगे देखें, एक्साइटेड हों कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पेशेंस प्लीज़। सब फ्यूचर में तो हर किसी के बहुत सपने होते हैं, मेरे भी बहुत सपने हैं। तो अभी इस शो के साथ साथ मेरा पंजाबी मूवी में चल रहा है, जो कि एक अच्छे प्रोडक्शन के साथ, मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा सब कुछ डन है। हम जाने वाले हैं मार्च एंड में शूटिंग के लिए, तो डेफिनेटली आप अब मुझे नेक्स्ट पंजाबी मूवी में देखोगे अच्छे बैनर में। और आई होप यू गाइज लव मी, पहले जो मैंने सीरियल किए हैं, ऑफकोर्स आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ प्लीज़ इस शो को भी देखें, रिव्यूज़ दें, और ऑफकोर्स मुझे पता है कि आप लोगों का लव और सपोर्ट ही है जो हमें आगे ले जाता है और काम कर सकते हैं हम। सर एक ये लड़की की कहानी है, जो एक लड़के को बहुत प्यार करती है, बट लेकिन वो एंड ऑफ द डे उससे नहीं मिलता है। सो अभी ये देखा जाए तो लव ट्रायंगल है, लव एंड ड्रामा।